अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर एक बार फिर से सपा नेताओं की नौटंकी आई सामने। गांधी जी की प्रतिमा के सामने रोते बिलखते नजर आए सपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष गालिब खान। सपा नेता फिरोज खान से प्रभावित होकर बहाए आंसू। 2019 में भी आंसू बहाकर चर्चा में आए थे सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष फिरोज खान। एक बार फिर से रोने का वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आज पूरा देश, पूरा भारत हमारा आज राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी की जयंती मना रहा है। आज संभल में भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हम लोगों ने, हमारे तमाम साथियों ने, यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि भी आए हैं, हमारे प्रमुख साथी राशिद साहब से लेकर और तमाम हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और फिर देश में हर जगह समाजवादी पार्टी के साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ में मना रहे हैं और भी जहाँ जहाँ जो लोग हैं। आज बापू के जयंती हर्षोल्लास के साथ हम लोग हर साल मनाते हैं, इस बार भी मना रहे हैं और हम बापू की प्रतिमा संभल में स्थापित करना चाहते थे लेकिन प्रशासन 4 साल से हमको जगह नहीं दे पा रहा। जिन्होंने देश को इतनी बड़ी आज़ादी दिलाई, देश में इतनी सुविधा दिलाने का बापू ने संकल्प लिया और हम लोग चाहते थे कि देश में वो सुविधाएं हमें मिले, वो हमसे आज छीनी जा रही हैं और बापू के लिए आज 2 गज ज़मीन संभल में प्रशासन नहीं दे पाया, मुझे अफसोस है। लेकिन कोई नहीं, सबर का फल मीठा होता है, हम लोगों ने सबर किया है, धैर्य रखा है। बापू को हम लोग संभल में इनकी प्रतिमा स्थापित जरूर कराएंगे। आज हमने पार्टी कार्यालय पे ही बापू की प्रतिमा पे मालार्पण किया है और ये संकल्प लिया है कि 2022 में समाजवादी की सरकार बनेगी और बापू को संभल में स्थान अवश्य मिलेगा और प्रतिमा स्थापित करेंगे और भी प्रदेश में जगह जगह हम लोग, हम क्योंकि हम गॉडसे को मानने वाले नहीं, उनके विरोधी हैं क्योंकि हम बापू के अनुयायी हैं, बापू को मानने वाले और देश हमेशा बापू को याद रखता रहेगा।